हाय फ्रेंड, आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पर कितने ईस्वी में किया था? 331 पूर्वी या 334 या 322 या 333? इसका आंसर हो जाएगा 322 ईस्वी। ये जो सी है आपको दिखाई पड़ रही होगी, कुछ और बढ़िया सी आंसर है। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर कितना हो गया? 322 ईस्वी पूर्व। घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त को मदद किसने किया था? हालांकि पिछले क्वेश्चन में हम बोल चुके थे, बट तब भी क्वेश्चन है तो आंसर तो देना पड़ेगा। घनानंद को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था सेलुकस, निर्याकस, अरस्तु या चाणक्य? इसका आंसर तो काफ़ी जी है चाणक्य। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिस जिन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी और युद्ध में काफ़ी मदद की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने के बाद इनको अपना प्रधान सेनापति और प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए थे, क्योंकि वो काफ़ी विद्वान और काफ़ी दिमाग के अच्छे थे। चंद्रगुप्त और कनेलिया की शादी हुआ, पर कनेलिया कौन थी? चाणक्य की पुत्री, सिकंदर की संबंधी या सेलुकस की पुत्री, घनानंद की पुत्री? इसका आंसर हो जाएगा सेलुकस की पुत्री। सिकंदर का सेनापति सेलुकस, सिकंदर तो बेचारा मर गए थे, पर उनका सेनापति सेलुकस की पुत्री कनेलिया से शादी चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। इसमें चाणक्य की ही दिमाग की रणनीति थी। चाणक्य से संधि युद्ध हुआ था, युद्ध के तहत कनेलिया से शादी और बहुत सारे कंधार और बहुत सारे चीज दिए भी थे सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसका आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि सिकंदर की संबंधित भी तो थे हुए। काबुल, कंधार, मकरात, हैरात सब स्थान चंद्रगुप्त को दिया था कौन? चाणक्य, सेलुकस, सिकंदर या घनानंद? इसका आंसर हो जाएगा बी। हम पीछे ही बोल चुके थे सेलुकस की पुत्री कनेलिया का शादी जब हुआ था तो काबुल, कंधार, मकरात, हैरात इन सब उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने सेलुकस यानी ससुर जी को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन यूनानी आया था राजदूत बन के? सेलुकस ने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अरस्तु, अरस्तु या पॉक्सबॉल या कॉपर मैन या मेगास्थनीज? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ही यूनानी राजदूत था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इंडिका में इंडिया के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार, अशोक, पर्णमसार या दशरथ? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंबिसार नहीं बोले, बिंबिसार तो हर एक वंश का था, यह बिंदुसार है। काफ़ी योग्य और पराक्रमी शासक था। बिंबिसार किस ईस्वी पूर्व को राजगद्दी पे बैठा था? 297 ईस्वी या 98 या 99 या 298 ईस्वी पूर्व? इसका आंसर हो जाएगा 298 ईस्वी पूर्व। डी इसका आंसर हो जाएगा। बिंबिसार कब गद्दी पे बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पे बैठा था। बिंबिसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? राम संप्रदाय, गंध संप्रदाय या आजीवक संप्रदाय या विनाशय संप्रदाय? इसका आंसर हो जाएगा सी, आजीवन संप्रदाय का वो अनुयायी था। इंडिका नामक प्रचलित पुस्तक किसने लिखा था? अरस्तु, चाणक्य, मेगास्थनीज या सेलुकस? मेगास्थनीज यूनान का रहने वासी था, सेलुकस का राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में इंडिका के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करके लिखी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लिया था बी सी दोनों से, स्थूल भद्र या भद्रबाहु से? इसका आंसर हो जाएगा सी, भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण विसर्जन किया था किस पहाड़ी पे? अरावली, अजंता, नीलगिरी, श्रवणबेलगोला? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण को विसर्जन कर दिया था।
हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बतलाइए, ताकि अगले वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन पेश कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।